देखो कितना फर्क है ओ ये तो बहुत फर्क है सी ये ये बहुत फर्क है, है। इसकी तो मोमेंट खत्म ही हो गई है yeah, जो थेरेपी से जो छुटकारा मिलता है वो छुटकारा ऑपरेशन से कभी नहीं मिलता है उसके पहले ऑपरेशन कराने से दस बार आप सोचो घुटनों का ऑपरेशन जब कामयाब नहीं होता तब जिंदगी कैसी होती है ये मुझे पता है मैंने अनेक सारे लोगों के अनुभवों को देखा है इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं ऑपरेशन कराना है घुटनों का उससे पहले एक बार मेरे पास आरोग्य पीठ में जरूर आओ क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद मुझे काम करना कठिन होता है ऑपरेशन से पहले मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं तो मेरे साथ है श्रीमान मोदी जी है ना पूरा नाम है आपका मेरा नाम जवाहर भाई मोदी जवाहर भाई मोदी और जवाहर भाई बोधी कहां से है जरा थोड़ा मैं... बताओ भी और मैं यहां शेयर कराऊंगा इनका खासकर क्योंकि इन्होंने दोनों घुटनों के ऑपरेशन कराए पहले एक का कराया दूसरे का कराया बाद में इन्होंने कैसा महसूस कर रहे हैं ये जानकारी आपको पूरी आना बहुत जरूरी है जिससे आपको ये पता रहे कि घुटने का ऑपरेशन ही संभव नहीं है उससे पहले बहुत सारे काम करना बहुत जरूरी है और शुरुआत में ही अगर तकलीफ को नहीं रोका तब हमारे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ठीक करने में बहुत जोर लगता है बड़ा समय लगता है इसलिए शुरुआत में पकड़ना बहुत जरूरी है आओ ऑपरेशन कराने के बाद क्या हाल होता है जरा जानते हैं जी मोदी जी बताइए मैं यूएसए अमेरिका से हूँ और मैं गुजरात में रहने वाला हूँ मैं मेरे को आरोग्य पीठ की जान नहीं थी तो मैंने एक बार एक वीडियो देखी उससे मेरे को पता चला कि आरोग्य पीठ में क्या क्या हो रहा है तो उसके बाद मैंने उसकी स्टडी करने का भी शुरू किया तो वहाँ तक तो मेरे को पता भी नहीं था तो ये पहले तो मेरे दोनों पाँव के ऑपरेशन हो चुके थे अच्छा मतलब आप जो अगर ने... जो मेरे पास हाँ। जो जो पहले से जो मालूम होता मेरे को आरोग्य पीठ में जो ये हो रहा है तो मैं ऑपरेशन कराने जाता ही नहीं पहले मैं आरोग्य पीठ में आता और राम दीक्षित से मैं दिखा के मेरा पूरा इलाज करा लेता तो मेरे आज दोनों घुटन बच जाते गुटन कर ऑपरेशन कराने के बाद उसका कोई कारण कोई ठीक नहीं होता है मैंने एक ऑपरेशन इंडिया में किया है एक ये हाथ मैंने ये ऑपरेशन मैंने इंडिया में कराया है ये अच्छा है लेकिन जो अमेरिका में भी ऑपरेशन किया है वो यहाँ से ज़्यादा बैंड नहीं होता बहुत पेनफुल है इसमें पेन बहुत कम है इसमें पेन बहुत ज्यादा है मतलब ऑपरेशन के बाद भी पेन है ऑपरेशन करने के बाद ही पेन है छुटकारा नहीं मिलता है जो थेरापी से जो छुटकारा मिलता है वो छुटकारा ऑपरेशन से कभी नहीं मिलता है उसके पहले ऑपरेशन कराने से दस बार आप सोचो और आरोग्य पीठ में आके उसकी सलाह लो उसकी जरूरत हो तो बाद में देखो बाकी तो यहाँ ही सब ठीक हो जाता है अब यहाँ जरा देखिए भारत में भी ऑपरेशन कराया और ये लेफ्ट नहीं भारत में कराया और ये अमेरिका में कराया अमेरिका का मतलब आज हम बात करते हैं कि सबसे टॉप डॉक्टर वहां होंगे सबसे सुपर फैसिलिटी वहां होंगी भारत के लोग भी बाहर जाते हैं अभी दोनों में दर्द है इसमें भी है इसमें भी है लेकिन इसमें ज्यादा ये साइज भी अगर देखेंगे तो ये ज्यादा मोटा है ये थोड़ा पतला ये ज्यादा मोटा है साइज ज्यादा हो सकता है ज्यादा सॉलिड वाला लोहा इसमें डाला हो नहीं कम साइज डाली ये कम साइज डाला फिर भी मोटा है इसलिए तकलीफ है ये अच्छा। बता मैंने दिखाया जिसने जिसके पास मैंने इंडिया में ऑपरेशन कराया उनको दिखाया मैंने तो भाई इतना क्यों तकलीफ है तो उन दस डॉक्टर ने उसने बेगा कर दिया उसने बताया कि देखो उसमें क्या गलती है एक दूसरे तो, की गलती तो फटाक से तो, निकालते हैं निकालते हैं है। तो उसने बता दिया एक साइड कम डाला है इसलिए बैंड नहीं होता है नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई इन्होंने तो चलो ये कह दिया आपको कि इसमें मसाला थोड़ा कम डाला है कि हर आदमी अपनी चीज को अच्छा ही बताया है ना बताते है ना बताते है ना लेकिन फिर भी आप में एक मैं एक प्रश्न करता हूँ आपने दोनों घुटनों का इंडिया में क्यों नहीं कराया ना वो करा वो टाइम ज्यादा पेन था मेरे कमर में मैं आ नहीं पाता था तो मैं तो इतना पेन है सहन मत करो यहाँ हो जाता तो करा अच्छा उसको करा तो उस समय जो इंडिया के डॉक्टर्स थे उन्होंने नहीं कहा था कि दोनों करा लो हाँ तो वो टाइम पे बोला था तो मैं तो मैं अभी चलता है तो चलने तो यार अच्छा फिर आपने कहा ऑपरेशन ही भी चलता है देखे ना अभी तो काम करता है ना तो, तो कम से कम जितने दिन ये ऑपरेशन नहीं कराया आपने उतने दिन कम से कम इससे कम दर्द में तो जिए जी ऑपरेशन कराने के बाद तो आपकी हालत ही खराब होगी वही हुई अब आप क्या क्या नहीं कर सकते ये बताओ मैं बैंड ही नहीं कर सकता हूँ और जमीन पे तो नहीं बैठ सकता मैं बैठा हूँ तो बेरे बैर उठता उठता हूँ बैठता हूँ मैं

मेरे जगह पर दूसरा होता तो कोई पेन ही नहीं कर सकता ये देखो। ये देखो। ये देखो। अच्छा। तो फर्क है।, है, है ये फर्क है इसकी तो मोमेंट खत्म ही हो गई है बिल्कुल ना? सी, ना? ना? सी, तो ये पूरा ये यहाँ से फाड़ के लेकिन फिर भी इसकी मोमेंट नहीं हो रही है और ये सूजन भी आपके पैरों में रहता ही है अच्छा

उनको जो सोई लगाई बीच में तो पक्की की नर्वस्था होगी वो गिर गई चल नहीं सकती थी डेढ़ साल तक मैंने गोद में उठा कर बाथरूम ले गया सुलाई खाना खिलाया फिर मैंने एक्सक्यू का कोर्स अच्छा उसको टीट दी मैंने तो अच्छा। खड़ी की चलना सिखाया पूरी चलती है खाती है, पीती है फरती है मैंने, देने के मैंने देने के तो छोड़ दिया कुछ नहीं होगा अच्छा आराम करो। और आपने इस सारी कंडीशन के बाद भी ट्रीटमेंट दिया इतना काम करता रहा तो ये न्यूरोथेरेपी आप सीख कब से रहे मैं न्यूरोथेरेपी सीख रहा हूँ आपका जितना भी चढ़ा अच्छा चौथी स्केल पर आया हूँ सर्टिफिकेट आपका है अच्छा ठीक है तो मैं इनके साथ सबको एक बार शेयर करना चाहूंगा कि जो घुटने की हालत है ना अरे भाई इस घुटने की हालत को वहां तक ले जाने से पहले एक बार में जरूर आओ आपका कुछ नहीं जाना यहां से ऑपरेशन तो आप जो कराना चाहते हो वो कभी भी करा सकते हो कितना भी बिगड़ जाओ उसके बाद भी करा सकते हो लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद हमारा काम 10-20 परसेंट ही रह जाता है अस्सी परसेंट हमारे हाथ बन जाते हो जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते क्यों वो तो कट गए ना घुटने कल खला चले इसकी जगह ओरिजिनल मसल से चले गए ओरिजिनल मसल्स खत्म हो और उसकी जगह पर ये आर्टिफिशियल पार्ट लग गए अब हम शरीर में स्टिमुलेट करके कुछ भी बॉडी बैलेंस करके इसको नहीं कर पाते पहला मैं हर रोज दौड़ना चलना सब करता था मेरा पेट भी नहीं था पूरा स्टम था ऐसा था।, था क्या बात है और यार ऐसा पूरा और सौ किलो तो ऐसा ले लेता ले था मेरे हाथ में मैं कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को <laughs> बॉक्सर था ऐसा लग तो तो फिर ये डायबिटीज भी आ गया खाना भी आ गया ओ, सारा कुछ गड़बड़ हो गया ये सब उसके कारण है तो इसलिए आप इनका संदेश अधिकतम लोगों को शेयर करो और मेरा एक निवेदन है संकोच मत करिए ये बड़ा पुण्य का काम है पता नहीं किसके लिए आप आशा की किरण बन जाओ और हाँ जो दिल्ली में रहने वाले नहीं है बाहर के रहने वाले और दिल्ली आना चाहते तो हमारा वृंदावन केंद्र भी है और वृंदावन केंद्र में आप वहां आइए आवासीय है आपको रहना खाना ट्रीटमेंट सब वहीं पर मिलता है वृंदावन मतलब मथुरा वृंदावन की बात कर रहा हूं यहां दिल्ली में होटल में भी रुकना पड़ता है लेकिन वृंदावन में तो आपको हमारे ही वही हमारे कैंपस में ट्रीटमेंट भी है भोजन भी है सब कुछ है पूरा पर्याप्त ट्रीटमेंट है और हमारा ऑर्गेनिक अपना ही फूड है इसलिए झंझट किसी तरह का नहीं है तो वहां पर आ जाओ अगर आप बाहर से आ रहे हैं वृंदावन में भगवान जी का आपको प्रणाम भी हो जाएगा और आपके घुटने कमर गर्दन दर्द की जो सेहत गड़बड़ हो रही है उसका भी इलाज हो जाएगा इधर उधर मत करिए तो ये वीडियो अधिकतम लोगों को शेयर करिए घुटना दर्द है उनको करिए जिनको नहीं है उनको भी करिए क्योंकि हर घर में घुटने की तकलीफ है कोई घर एक शेयर करिए और लोगों को इस ऑपरेशन से बचाइए ऑपरेशन कराना है तो पहले घुटने ठीक करा लो उसके बाद करा लेना ऑपरेशन कराना ही तो पहले घुटने ठीक करा लो तो पहला से करा लेना तो मैं आपको सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ आपने लोगों को इतनी शेयरिंग दी कि कम कम से कम ये सावधान होकर आपने बताया आपने बताया मैं तो बोलता ही रहता था लेकिन आज प्रैक्टिकल सबके सामने, सामने बहुत, बहुत मुश्किल काम है जीवन का आधा तो अपन यहाँ छोड़ के जा रहे हैं सही बात उसकी जगह पे तो आप यहाँ उसका ट्रीटमेंट करके अपने घुटनों को बचा लेगा घुटनों को बचा सकते हैं तो बस इतना ही निवेदन करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कंधा दर्द गर्दन दर्द कमर दर्द गैस एसिडिटी माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है बीमारी की कोई उम्र नहीं है आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका वेलनेस न्यूरोथेरेपी तो देर किस बात की अभी फोन उठाओ कॉल करो और अपने रोगों से अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ